वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करो स्ट्रॉन्ग करो स्ट्रॉन्ग करो, और आप सब सोचते हो सर बेसिक में पढ़े क्या, आपके अंदर एक डाउट रहता है। तो मैंने आपके सारे डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया है। किस तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि अब आपको बेसिक्स पढ़ने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कैसे आप पूरी बेसिक्स पढ़ सकते हो एक जगह से। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों मैंने बोला था आपको कि आप लोग बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है अपना रोल, क्योंकि अगर किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो उससे क्वेश्चन पूछना तो फिक्स है। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन ये है कि आपको www.unixcivil.com पे जाना होगा और वहां पे पीपीटीज का फोल्डर अलग से मैंने बना के रख दिया है। उस पीपीटी के फोल्डर पे जाइए, वहां पे आपको एक एक टॉपिक के पीपीटी रखे हुए हैं। मींस आप किसी भी टॉपिक, कोई भी बेसिक टॉपिक, इवन मैंने लगभग 50 पीपीटीज बनाए हुए हैं जिसमें सारा बेसिक्स कंप्लीट हुआ है। किस तरीके के बेसिक्स है उसमें, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको अगर पढ़ना है बीबीएस तो बीबीएस की अलग से पीपीटी है, आपको मैनुअल डिजाइन करना है उसकी अलग पीपीटी है, आपको बीम का, फुटिंग का, कॉलम का, स्लैब का, सबका अलग अलग एक डिजाइन की एक एक पीपीटी अलग से है। आरसीसी का बेसिक्स है, सोम का बेसिक्स है, उसके अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा आईएस 800 में क्या क्या पढ़ना चाहिए, आईएस 456 में क्या पढ़ना चाहिए, ऑटोकैड में क्या पढ़ना चाहिए, रेविट में क्या पढ़ना चाहिए, स्टैट प्रो में क्या पढ़ना चाहिए, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब सिर्फ आपको जाना है, डाउनलोड करना है और पढ़ लेना है। अब वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको उस पढ़ने का काम तो आपका है, तो लेकिन अगर आप इस काम को करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है, आप जाना है, सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, पढ़ना है। मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि पढ़ने के साथ उसके जो भी पीपीटी आप पढ़ रहे हैं उनको आप लैपटॉप में आपको पढ़ोगे या मोबाइल में पढ़ोगे तो उसका हैंड नोटबुक बनाते जाओ। जो भी चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने लेटर ऑफ ऑन कंक्रीट के बारे में वहां पे हम लोगों ने बताया, तो लेटर ऑफ ऑन कंक्रीट की पीपीटी डाउनलोड करो, उसके बारे में पढ़ लो। इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे पेपर साइजेस वगैरह है, स्ट्रक्चरल सिंबल्स है, उनको नोट डाउन कर लो। उसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने उसे बताया हुआ सीरोल के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है उनको एक बार हैंडबुक में नोट डाउन कर लो। आप इसको बस एक बार नोट डाउन किया। और दूसरी चीज, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, किसी भी चीज को अगर सक्सेस पाना है तो क्या करना है, कंटिन्यूटी, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं खुद भी डेली पढ़ता हूँ क्योंकि अगर नहीं पढ़ूंगा तो इतने कंटेंट कैसे याद होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अपनी डायरी में सब कुछ लिख लेता हूँ जो भी होता है, उसके बाद जब बैठता हूँ तो डायरी को एक बार पूरा पढ़ता हूँ, जिससे कि मेरा पीछे का पूरा गोथ्रो हो जाता है, मेरा सबका दिन का शेड्यूल फिक्स होता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे क्या करने वाला हूँ। दोस्तों इतना कुछ आपकी बहुत मेहनत किया है मैंने इसमें, क्योंकि हमने एक्सेल शीट बनाई है, उसके बाद सारी पीपीटीज इकट्ठा की है, उनके लिंक तैयार किए हैं और लिंक तैयार करके उनको आपको लोग डाउनलोडिंग करने के लिए ऑप्शन दिया है। ये सारा कुछ करने में मुझे लगभग 7 से 8 घंटे लगे हैं। अब इसमें अगर इतना सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं तो आपका भी कुछ बनता है, आपका सिर्फ ये बनना है कि आप इसको शेयर करो यार ज्यादा ज्यादा लोगों तक। मैं भी लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें बीएस कोड और 2-3 टॉपिक्स और थे, तो उसमें ना मुझे बहुत लाइक डीमोटिवेशन मिला, मुझे एक ऑफर आया हुआ था बहुत अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना वो करता हूं। अब मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं यूनिक सिविल पे फिर से आऊं और ये यूनिक सिविल को और स्ट्रांग करूं, क्योंकि आपको अगर वो ऑफर मिला था इससे बहुत ज्यादा, मीन्स अगर मैं चाहूँ बताऊँ आपको तो 100 times ज्यादा ग्रोथ मुझे वहां पे मिल रहा था, बट वो किसी और का काम था, मैंने सोचा अपना काम करेंगे, इसके लिए बस ये कर रहा हूँ, 100 times ग्रोथ को रोक के आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं आगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इतना मेहनत अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 6 महीने हो गए और 6 महीने में अब तक में लगभग 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद कुछ भी हाथ में नहीं आया, इवन सब जा रहा है। तो अब बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इतना फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देने वाला हूँ, मीन्स जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पे बुक्स वाले फोल्डर में कुछ तो अवेलेबल है मार्केट में, जो भी रहती है जो इजिली अवेलेबल है वो सारी मिल जाएंगी, बट कुछ है जिनको हम लोग परचेस करने वाले हैं किंडल से, किंडल आपको बताओगे मैं तो किंडल से वहां से परचेस करके यहाँ पे लगाने वाले हैं,
बट उसके लिए आपका सहयोग तो जरूर चाहिए। आपका सहयोग कुछ नहीं है, कोई भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है अगर आप नए यूजर हैं, और पुराने यूजर हैं तो अपने स्टेटस पे इस ग्रुप को लगा दीजिएगा कि इस वीडियो को लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी की पूरी बेसिक्स ऑफ सीख लीजिए। मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, जो भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है उस पर मैंने ये निकाला है कि इस इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, इस इंटरव्यू में उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोगों ने पीपीटी हमारे स्टूडेंट के द्वारा ही पीपीटी बनाई गई है, उसके द्वारा हमने पूरा मेहनत किया है और बनवाया है। आप एक बार पढ़िए और उसके बाद देखिएगा किसी भी इंटरव्यू में इसके बाहर से अगर क्वेश्चन पूछे होंगे ना तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इसके अंदर जितने कंटेंट है आपको मैक्सिमम पढ़ने में लगेगा तो 1 महीना लगेगा, क्योंकि 1 महीना तो लगेगा अगर याद करना है तो एक एक करके याद करिएगा। अगर याद कर लिया आपने तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को फैलाइए ज्यादा ज्यादा लोगों तक, जिससे कि हम लोग आगे आपके लिए और इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीजें करने लगे। मैं आपको एक छोटा सा ग्रास्पिंग देना चाहूंगा, मैं जल्दी ही अनअकैडमी पे भी आने वाला हूं, तो आप लोग वहां पे भी मुझे फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कब आ रहा हूं। वहां पे भी मैं बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लेकिन पहले आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी पीपीटी अच्छी लगी होंगी तो पीपीटी के वेबसाइट पे ही कमेंट कर देना, या फिर आप YouTube के चैनल पे कमेंट कर देना। कमेंट करके जरूर बताना, रिप्लाई आप जरूर देना, क्योंकि आपके रिप्लाई से मुझे क्वेश्चन क्रिएट होता है मेरे अंदर और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। काफी लोग बोल रहे थे सर बेसिक्स आप बोलते हो, क्या पढ़ूं बेसिक्स में? तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सारे बेसिक्स का पीपीटी शेयर करके इनको शेयर कर दिया जाए और सारे बेसिक्स इनका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना पढ़ने का बहाना, ना करने का बहाना, करो तो आपकी गलती है। लेकिन अब अगर आप चाहो तो आप फटाफट आप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।